नमस्कार, दैनिक सवेरा टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये रामपुर की बहुत ही खूबसूरत वादी है। ये देख रहे हैं कि पीछे हमारे पीछे सतलुज रिवर है और ये रामपुर शहर यहाँ से कई किलोमीटर तक हमारे दाहिने और हमारे बाएं पॉलिटिकल जो फिजा है, राजनीतिक फिजा है, वो काफ़ी ज़बरदस्त है। यहाँ लोग कैंपेनिंग कर रहे हैं, गांव-गांव में, शहर शहर में जाके लोग कैंपेनिंग कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर सभाएं यहाँ छोटी होती है, लोगों तक पहुँचना बहुत मुश्किल होता है। कई किलोमीटर तक चल के लोगों तक जाते हैं, मतदाताओं तक जाते हैं। हमारे साथ रामपुर से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं नंदलाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। अब तक की जो यात्रा रही है, राजनीतिक यात्रा काफ़ी लंबी आपकी रही है, लेकिन इस बार का जो कैंपेनिंग का तजुर्बा है आपका, वो किस तरह का रहा? इस बार जो हमारा कैंपेन है, मैंने 23 को हमारा नॉमिनेशन हुआ था, फाइल किया था हमने, और उससे पहले से ही हम लोग अपनी तैयारियों में जुड़े थे। ऑलमोस्ट हमारी टोटल 48 पंचायतें, 48 पंचायत हैं, तो 48 में हमने करीब 30 पंचायतें तो कवर कर चुकी है पर्सनली। बाकी हमारे जितने भी जोन हैं, जोन के लोग मूव कर चुके हैं अपने अपने एरिया में, पंचायतों में, और कैंपेन हमारा फुल स्विंग में। लोगों तक पहुंचना कितना मुश्किल होता है, क्योंकि आपसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे थे तो आप गांव में होते थे, काफ़ी दूर, और दिन दिन भर चलना होता है पैदल गाँव के पहाड़ी रास्तों पर। हाँ, तो अभी तक कितने लोगों तक पहुँच पाए आप लोग? हमारे देखिए ऐसा है, हमारे यहाँ दो पंचायतें ऐसी थी जिसमें रोड कनेक्टिविटी नहीं है, बाकी सारी पंचायतें जो हमारी पंचायत हेडक्वार्टर से एटलीस्ट वो रोड कनेक्टेड है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ये है डिस्टेंस ज़्यादा है, हाँ, रात को भी रुकना पड़ता है, दो तीन जगह इस तरह हुआ, अदरवाइज़ ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, हम लोगों तक पहुँच रहे हैं। तो ये खास करके ये इलाके की बात करें तो ये एक रामपुर जो बुशहर घराना है, राजघराना है, उसका ये हिस्सा रहा है, तो लोग उम्मीद करेंगे कि काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है, लेकिन लोग ये कहते हैं कि जितना होना चाहिए राजा वीरभद्र का इलाका रहा, उस हिसाब से डेवलपमेंट अभी नहीं आ पाया। अगर खासकर मेडिकल फैसिलिटी की बात करें तो लोगों को शिमला जाना होता है, लोगों को चंडीगढ़ जाना होता है। आपकी सरकार अगर आती है हिमाचल में वापस, तो क्या मेडिकल फैसिलिटी को बेहतर बनाने के लिए क्या रहेगा आपका? आपको शायद मालूम ना हो, हिमाचल इज नंबर वन इन द फील्ड, आई मीन हेल्थ सेक्टर एज वेल एज एजुकेशन, वी हैव द बेटर फैसिलिटीज देन अदर पीपल। और हमारे यहाँ मुझे याद है कि 2007 से 12 से पहले ये जो हमारा हॉस्पिटल है, इस 200 बेडेड हॉस्पिटल, इस हॉस्पिटल में मात्र 7-8 डॉक्टर्स होते थे हु हैज़ टू वर्क राउंड द क्लॉक। नाउ वी हैव सफिशिएंट नंबर ऑफ डॉक्टर्स एंड दिस हॉस्पिटल इज रनिंग वेरी वेल। और जो हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं हमारे यहाँ हिमाचल में ओवरऑल बहुत अच्छी हैं। लोग ये कह रहे थे कि लोग की जो एम्स की फैसिलिटी आ रही है बिलासपुर में, शायद उससे इसको कनेक्ट कर दें या कुछ सब सेंटर वो सब अगर बने वो तो सब उससे बहुत बेहतर हो जाएगा। वो सब हो जाएगा जो आपको लोग कह रहे हैं ना, तो आप यू मस्ट अंडरस्टैंड इट कि दे आर नॉट विद अस। वो लोग जो हैं उनको कहना ही है, दे आर फ्रॉम द अदर पार्टी और समथिंग, दिस इज व्हाट आई एग्जैक्टली फील। ट्रॉमा सेंटर यहाँ बन रहा है, बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं यहाँ, जो आज जिससे आप मिले होंगे ना, वो दूसरी पार्टी के लोग हैं जिनको कुछ कहना ही है। जितना डेवलपमेंट इन पिछले 5 सालों में माननीय मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह ने यहाँ किया है और हिमाचल में किया है, इट्स अ रिकॉर्ड इटसेल्फ। और ख़ास करके ये इलाका जो है थोड़ा दूर दराज इलाका है, इस वजह से शायद इस तरह का सवाल उठा होगा, लेकिन आप तो इस मत के है ना कि अगर एम्स की फैसिलिटी यहाँ आती है, अगर डॉक्टर्स की फैसिलिटी, आप कह रहे हैं जैसे कि ट्रॉमा सेंटर यहाँ आ रहा है, yes. तो बेहतर होगा लोगों को चंडीगढ़ नहीं जाना पड़ेगा, कम से कम 7-8 घंटे का रास्ता। नेचुरली व्हाई शुड दे गो टू चंडीगढ़, बिल्कुल यही होगा सब निज़ाम व्यवस्था होगी। अच्छा, रोजगार के क्षेत्र की बात करें, एम्प्लॉयमेंट के क्षेत्र की बात करें, तो सरकारी नौकरी के अलावा और क्या होना चाहिए यहाँ आपके इलाके? देखिए, वी हैव पिछले साल में, इस साल के अंदर 70,000 जॉब्स बीन प्रोवाइडेड टू द पीपल by the government in the entire Himachal Pradesh and we have a good share in that. Aur jab police ki baat karo, forest department ki baat karo, dusre jo home guards and anganwadi and but not to is tarah ki job ki employment bahut important hai. Baki jo hamare jo local jo yahan pe projects hai, jaise luri project hai aa raha hai, then we have Rampur Hydel project, then we have Satluj ka Jakri project, usme we have 70% employment given to our people. हाँ जी, और यहाँ लोकल जो डिस्प्लेसमेंट भी कुछ हुआ था नाथपा झाकड़ी जो, हालांकि काफ़ी पहले बना, लेकिन लोग कहते हैं कि ठीक से उनका बसावट फिर से नहीं हो पाया, नहीं उनको मुआवजे नहीं मिले। देखिए ऐसा है, अभी करीब 2-3 महीने पहले ही हमने लोगों को यहाँ पे जो उनको मिलना चाहिए था, जो विच वॉज ड्यू पेंडिंग पड़ा था, वो भी डिस्पर्स हो चुका है, और कुछ एक मामले अभी भी हैं, बाकी जो भी जल्दी क्लियर हो जाएंगे। आपका क्या एजेंडा रहेगा, चूँकि आप
सरकार में भी हैं और राजनीति में काफ़ी लंबे अरसे से हैं, तो आपका क्या एजेंडा है इस खास रामपुर शहर की बात करें तो? मैं ये कहता हूँ कि रामपुर शहर जो है ये एक बड़ा एक कॉम्पैक्ट काइंड ऑफ मार्केट और हर चीज़ अवेलेबल है, हर सुविधा अवेलेबल है यहाँ पे और एक बहुत बड़ा सुंदर शहर है हमारा। हमारा डेवलपमेंट जो है पहला मुद्दा है, विकास जो है पहला मुद्दा है, यू नो बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है शहर में वो मिलना चाहिए और जो हमारे यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज अच्छी होनी चाहिए, जो मूलभूत सुविधाएं जो लोगों को मिलनी चाहिए वो जो है मिले यहाँ पर और डेवलप करेंगे इसको, ये हमारा एजेंडा रहेगा। राजा वीरभद्र सिंह का भी मुद्दा जो है विकास का ही है, उनसे हमारी जो मुलाकात हुई थी तो वो भी कह रहे थे कि विकास के मुद्दे पे हम मतदान करने को कह रहे हैं लोगों को, है ना? तो क्या लगता है कि लोग इतने जागरूक हैं, इतने अवेयर हैं कि वो डेवलपमेंट को समझते हैं, चूँकि डेवलपमेंट एक मानक नहीं माना जाता पूरे कंट्री की बात करें जिस तरह का वोटिंग पैटर्न रहा है तो? नहीं, मैं इस बात को नहीं मान सकता। मैं ये कहता हूँ कि जो विकास हुआ है यहाँ पे सब लोग जानते हैं इसको, सब लोग जानते हैं, दे कैन नॉट फॉरगेट दिस फैक्ट। दूसरी बात यह है यहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अपना गृह क्षेत्र है, लोग उनकी बात मानते हैं, हर तरह से उनके साथ चलते हैं। तो और ये भी हम आप मैं मुझे गुरेज नहीं है कहने में, रामपुर से जो MLA बनता है वो माननीय मुख्यमंत्री महोदय जो है ये उनके सपोर्ट के बगैर या उनके सहारे खास दिलचस्पी लेते हैं इस इलाके में शायद? नहीं, दिलचस्पी की बात नहीं, ये उनका अपना गृह क्षेत्र है, हाँ, और वो जो चाहेंगे वो ही होगा। तो ये थे रामपुर शहर से, रामपुर जो इलाका है यहाँ से नंदलाल जी पॉलिटिक्स में काफ़ी लंबे अरसे से हैं, राजनीति की इनको अच्छी समझ है, प्रशासन की भी अच्छी खासी समझ है और लगातार कैंपेनिंग ये कर रहे हैं। तो रामपुर का पूरा जो शहर है बहुत ही खूबसूरत शहर है, इस शहर के बारे में कुछ बताइए थोड़ा। शहर में ये है कि हमारा तो कंजेशन है, थोड़ी सी ट्रैफिक कंजेशन है, तो हमारी कोशिश रहेगी जो ब्रिज बन रहे हैं, एक ऑल्टरनेट जो NH का वहाँ आयोजन करना है उसको बनाना है, ताकि जो फिर जो ट्रैफिक कंजेशन खत्म करनी है, बस वो मेन चीज रहेगी। और पार्किंग की कोई दिक्कत है? चूंकि सड़कों पे लोग गाड़ियां रखते हैं, टेलिंग यू बिकॉज़ अभी जो नेशनल हाईवे पर पार्क करनी पड़ती है, जब यहाँ से ऑल्टरनेट रूट अक्रॉस द रिवर जब बन जाएगा तो काफी ट्रैफिक से रिलीफ मिल जाएगा। और ट्रैफिक पार्किंग के लिए काफी जगह आइडेंटिफाइड है, पार्किंग प्लेसेस बन रहे हैं, कुछ इस तरह का बने हैं, आप इंदिरा मार्केट में है और इस तरफ को हमने प्रपोज किया है, यहाँ पर खोपड़ी में भी है और कैफे के साथ में है, तो दो तीन जगह आइडेंटिफाइड है। तो आपका बहुत शुक्रिया, बहुत बातचीत करने के लिए, थैंक यू, बहुत बहुत शुभकामना, थैंक यू लगातार। तो ये दिखाया हमने नज़ारा, ये रामपुर शहर का काफ़ी संभावना है विकास की और खास करके जो ट्रैफिक की स्थिति देखते हैं ये भी बेहतर होगी, इस तरह का ब्लूप्रिंट बना हुआ है। लेकिन अभी लोगों की नज़र है 9 नवंबर पे जब चुनाव होगा और हिमाचल प्रदेश के मतदाता मतदान करेंगे और सरकार का फैसला करेंगे। आप हमारे साथ बने हुए थे, बहुत बहुत नमस्कार, शुक्रिया बहुत बहुत। कैमरामैन रवि के साथ मैं ब्रजमोहन सिंह, दैनिक सवेरा TV के लिए।